दोस्तों जयंत, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, जैसे अपना CISF का जो है वो कुछ प्रोसेस में है, अभी वो आने वाले हैं, PET PST उनका होना है, ठीक है। BSF का आया हुआ है, CRPF का आया हुआ है। तो एक बात बता दूं आपको, जो टेस्ट में आपके काम आएगा, ये वो जानकारी है जो अपने दोस्तों से, अपने आसपास वालों से इकट्ठा की है मैंने, ठीक है, अलग अलग ट्रेड से। तो जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे, पहली बात तो ये कि अपनी तैयारी एकदम हमेशा अच्छे मोड पर लेकर चलते रहिए, ताकि अच्छा हो। और दूसरी बात ये कि आपका जब भी टेस्ट हो तो आप सफल हो। इसके लिए हम कुछ आपको टिप्स देने जा रहे हैं, हम जो जानकारी हम इकट्ठा किए उसके हिसाब से। जिस भी ट्रेड में आप भरे हैं, मान लीजिए कि आप अगर मोची में, कॉबलर में भरे हैं, या बार्बर में भरे हैं, स्वीपर में भरे हैं, या कुक या वाटर कैरियर में भरे हैं, तो आपको जिस भी ट्रेड में जाना है उस ट्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जो सामान है, जैसे मान लीजिए कि सेविंग करने के लिए जो सामान यूज करते हैं, फिर अगर मान लीजिए कि कुकिंग के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए, तो उसके साथ जो सामान का नाम सामान यूज करते हैं उसका नाम, स्वीपर के लिए उसका नाम, ठीक है। तो इनका नाम आपको अच्छे से जानकारी रखना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको अपने से कोई गलती नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने कहा कि मेरी सेविंग करो आपके ट्रेड टेस्ट में, तो सबसे पहले ये पूछ लेना है अपनी मर्जी से, सेविंग क्रीम जो है वो पूरे में नहीं लगा देना है, मूछ में या पूरे। अगर आपने मूछ में लगा दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको पहले पूछना है बार बार, अगर आप बनने जा रहे हैं तो, कि मूछ रखना है, हटाना है, इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। नंबर एक बात, मान लीजिए कि अगर आप स्वीपर हैं, तो आपको जब वहां पे कुछ काम करना हो तो पहले क्या करना है, सामान जुगाड़ करना है, पोछा लगाना है, लगाने की शुरुआत जो है वो झाड़ू पहले लगाना है, सामान उससे पहले हटा लेना है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपको रोटी बनाने के लिए कहता है कुकिंग में, तो जैसे वो कह देंगे कि रोटी पकाओ, इतना सारा आटा रखा रहेगा एक जगह, आपको क्या करना है, जैसे रोटी पकाने के लिए बोला है ना, सारा रोटी पकाने को बोला नहीं, तो आपको थोड़ा पानी लेकर के थोड़ा साइड में थोड़ा सा आटा को मिलाना है, ऐसे करके रोटी पकाना है। मतलब बिल्कुल जितना कहा जाए उतना करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना, और एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना है, ये ट्रेड टेस्ट में आपके काम आएगा। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर उनको किसी एक को भी अगर आप ये बेनिफिट पहुंचा पाए कि वो ट्रेड में हमारी वजह से पास हो जाए, तो मेरे को आज बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।